हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार, टैक्स ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? कंपनी, आपने कई बार देखा होगा कि कंपनी जब उसको फंडिंग की ज़रूरत वगैरह होती है तो वो इक्विटी शेयर इश्यू करती है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है, उसी के साथ डिबेंचर भी इश्यू कई बार करती है। तो डिबेंचर बेसिकली है क्या? तो ये वाली वीडियो में हम देखेंगे कि डिबेंचर का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है, इफ़ अ कंपनी नीड्स फंड फॉर एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट पर्पस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स शेयर कैपिटल, इट कैन बोरो फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इश्यूइंग सर्टिफिकेट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे बोला गया है कि जब कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है कंपनी के एक्सटेंशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए, तो वो और ऐसे केस में अगर वो अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करना नहीं चाहती है तो वो केस में वो पब्लिक से, इट कैन बोरो फ्रॉम द जनरल मींस पब्लिक से वो कुछ पैसे वगैरह जो लेती है लोन के तौर पे समझ लीजिए, और उसके सामने वो उनको सर्टिफिकेट इश्यू करती है, और वो उसका जो ड्यूरेशन होता है तो स्पेसिफिक टाइम के लिए वो सर्टिफिकेट इश्यू की जाती है, जिसे ही हम बोलते हैं डिबेंचर। ओके, सच अ लोन सर्टिफिकेट इज कॉल्ड अ डिबेंचर। डिबेंचर आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन सेम वे एज फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं वैसे ही डिबेंचर भी इश्यू होते हैं। डिबेंचर इज इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्नोलॉजिंग द रिसिप्ट ऑफ मनी। अच्छा, डिबेंचर जो होता है उसमें कॉमन सील ऑफ कंपनी, सील ऑफ कंपनी होता है, और वो बताता है कि ये मनी आपके पास से हमने लिए। अच्छा, और उसके फीचर्स क्या है डिबेंचर के? द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द डिबेंचर आर एज फॉलो। ओके, पहली बात, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैरिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो कंपनी के क्रेडिटर्स रहते हैं और उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलती है। मींस आपको इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर आप खरीदते हो तो यू आर कंसिडर्ड एज को ओनर ऑफ द कंपनी, आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, कंपनी के मालिक होते हो आप। लेकिन जब डिबेंचर आप डिबेंचर इश्यू होते हैं वो खरीदते हो तो आप उसके क्रेडिटर बोले जाते हो। डिबेंचर इज़ रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, कुछ टाइम के बाद उसको आप रिडीम कर पाओगे। डिबेंचर्स मे बी आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। क्या सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, वो हम आगे देखते हैं। इंटरेस्ट पेएबल ऑन अ डिबेंचर इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हैंस इट इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये बताया गया है कि कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि इन परस्पेक्टिव ऑफ कंपनी, यहाँ पे ये लिखा गया है कि इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे जो भी मीन्स इंटरेस्ट पे करना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट के सामने उसको आप चार्ज कर सकते हो, मीन्स वो आप टैक्स में प्रॉफिट के अंदर से डिडक्ट कर सकते हो। ओके, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट एन्जॉय एनी वोटिंग राइट। अच्छा, शेयर होल्डर की तरह डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट कोई नहीं होती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल इवन इफ देयर इज लॉस। अगर कोई लॉस भी होता है कंपनी का तो लॉस होने पे भी कंपनी को जो इंटरेस्ट है डिबेंचर का वो पे करना पड़ता है। और जबकि आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो कंपनी जब तक बेनिफिट नहीं करेगी, प्रॉफिट नहीं करेगी, तब तक आपको उसका डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। एडवांटेज क्या रहेंगे डिबेंचर के? इश्यू ऑफ डिबेंचर डज नॉट रिजल्ट इन डाइल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एज दे डू नॉट हैव राइट आइदर टू वोट और टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। यहाँ पे बोला गया है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर डज नॉट रिजल्ट इन, डिबेंचर इश्यू होने के कारण ये नहीं होता कि इन रिजल्ट इन डाइल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। मीन्स डिबेंचर इश्यू करना मीन्स उसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि उसकी वजह से इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के जो मीन्स बेनिफिट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका कोई, दे डू नॉट हैव राइट आइदर टू वोट और टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट से में वोट करने का या उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई मीन्स उनका हिस्सा नहीं रहता, इसलिए वो कोई नुकसान करेगा इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर एंड दस इट सेव्ड इनकम टैक्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है
is tax deductible expenditure and thus it saves income tax. मीन्स ये टैक्स डिडक्टेबल है, ये इंटरेस्ट जो है वो खर्च वगैरह है, तो आप इनकम टैक्स बचा सकते हो. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज रिलेटिवली लोअर देन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर. और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की जो कॉस्टिंग रहती है उससे डिबेंचर की जो कॉस्ट रहती है वो थोड़ी कम रहती है. इश्यू ऑफ डिबेंचर इज एडवांटेजियस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन. मीन्स जब इन्फ्लेशन होती है वो टाइम पे डिबेंचर को इश्यू करना अच्छी बात है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल इवन इफ देर इज लॉस. मीन्स कुछ लॉस होता है तो भी डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. सो डिबेंचर होल्डर्स बेयर नो रिस्क. अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑब्लिगेटरी. जो पेमेंट होता है इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है वो ऑब्लिगेटरी है, हैंस इट बिकम्स बर्डन इफ द कंपनी इनकर्स लॉस. लॉस होता है तो वो उसके ऊपर बर्डन रहता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी लेकिन डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो तो पे करना ही पड़ता है. डिबेंचर्स आर इश्यू टू ट्रेड ऑन इक्विटी बट टू मच डिपेंडेंस ऑन डिबेंचर इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी. मीन्स ज़्यादा डिबेंचर अगर इश्यू ज़्यादा करेगी तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है. इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो. मीन्स रिडेम्पशन अगर ज़्यादा होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिडेम्पशन होगा तो उसमें कंपनी का काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो. मीन्स जो भी आप बोलोगे कि जो लिक्विडिटी है वो कम होती है कंपनी की. ड्यूरिंग डिप्रेशन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी गोज ऑन डिक्लाइनिंग एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर कंपनी टू पे इंटरेस्ट. मीन्स यही चीज़ एक बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है कि कंपनी को लॉस होगा तो वो इट विल बी अ काइंड ऑफ बर्डन टू द कंपनी. अच्छा, ऑर्डिनरी डिबेंचर क्या होते हैं? सच डिबेंचर्स आर इश्यूड विदाउट मॉर्गेजिंग एनी एसेट, दैट इज दिस इज अनसिक्योर्ड. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेज फंड थ्रू अ ऑर्डिनरी डिबेंचर. मीन्स ऑर्डिनरी डिबेंचर ये होते हैं कि जब कंपनी वो अनसिक्योर्ड टाइप की, हम बोलेंगे अनसिक्योर्ड टाइप का डेप्ट है कंपनी का, तो उसे ऑर्डिनरी डिबेंचर बोलते हैं. मीन्स उसमें कंपनी कोई भी एसेट को सिक्योरिटी के तौर पर सामने वाले को नहीं देती है, ना ही वो अग्रीमेंट में ऐसा कुछ बताया जाता है. तो इसे सिंपली हम बोलेंगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी बोल सकते हैं. मॉर्गेज डिबेंचर मीन्स आपकी कंपनी बोलती है कि अगर हम आपको ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेज की है तो वो वाली प्रॉपर्टी में से आपको आपका हिस्सा उसे बेच के भी दिया जा सकता है. तो ये सिक्योरिटी के तौर पर कुछ एसेट्स रखी जाती है तो उसे मॉर्गेज डिबेंचर बोलते हैं. नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर मीन्स उसे आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे. और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर मीन्स द होल्डर्स ऑफ द पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर गिवन एन ऑप्शन टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ देयर डिबेंचर्स. आफ्टर कन्वर्जन दे विल एन्जॉय द बेनिफिट ऑफ बोथ डिबेंचर होल्डर्स. अच्छा, तो डिबेंचर ये पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर वो होते हैं कि जिसमें आपको एक बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आप चाहो तो उसका कुछ हिस्सा आप इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. फुल्ली कन्वर्टिबल मीन्स फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर फुली कन्वर्टेड इंटू स्पेसिफाइड नंबर. आप जितने चाहो उसमें इतने इक्विटी शेयर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो. रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल डिबेंचर्स इज अ डिबेंचर विच इज रिडीमेबल रीपेड ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट एंड एट प्री डिटरमाइंड प्राइस. तो ये आप उसको रिडीम कर पाओगे जो भी प्री डिटरमाइंड डेट होगी उस पर. उससे पहले इरिडीमेबल डिबेंचर्स. सच डिबेंचर्स आर जनरली नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, सो इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज परपेचुअल डेप्ट. रीपेमेंट ऑफ सच डिबेंचर टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. मीन्स कंपनी जब लिक्विडेशन होगा तभी इसका पेमेंट किया जाएगा इंटरेस्ट का, तो उसे बोलते हैं इरिडीमेबल. और उसके छोड़ के जो भी डिबेंचर्स होंगे जो उसका पर्टिकुलर टाइम होगा उस पर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, तो वो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं. रजिस्टर्ड डिबेंचर. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स वेन नेम्स एड्रेस सीरियल नंबर एट्सेट्रा ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर रिकॉर्डेड इन रजिस्टर्ड बुक ऑफ द कंपनी. सच डिबेंचर कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर टू अनदर पर्सन. ओके, तो ये कंपनी वगैरह इसका रजिस्ट्रेशन पूरा रखती है और इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स मे बी रिफर टू दोज डिबेंचर विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनीज रजिस्टर्ड बुक. Such a type of debenture is also known as bearer debenture and this can be easily transferred to any other person.
तो बैरन डो डिबेंचर होते हैं, अनरजिस्टर्ड को बैरा डिबेंचर भी बोले जा सकते हैं, और ये कोई रजिस्टर वगैरह इसका नहीं किया जाता है और वो किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप डिबेंचर के बारे में जो भी डिटेल जानना चाहते होगे वो आपको ये वाली वीडियो में मिली होगी। मैं चाहता तो ये वीडियो को काफ़ी लंबी भी बना सकता था, इन डिटेल अगर जाते हम तो ये काफ़ी लंबी होने वाली वीडियो थी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो कि और डिटेल में आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट छोड़ दे, मैं श्योरली इसके बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूँगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।